अच्छा जी, होमवर्क में आप सवाल कराइएगा 7 का B, 7 का B और क्वेश्चन 24। भाईजान ये गायब कर दो यार, तुम्हारी मेहरबानी यार, ये क्यों पड़े हुए हैं यार इधर, खुदा का खौफ करो यार। 7 का B और 24, ये ईद के दूसरे दिन ले आना, ठीक है? हाँ, ईद के दूसरे दिन तो क्लास होनी चाहिए। पहले दिन ही वापस आने पड़ेगा। अच्छा अच्छा इसको ज़रा हम थोड़ा और पेंडिंग पे डाल रहे हैं, कुछ दिनों में मैं कराऊंगा। ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल का पॉइंट डी है, इसमें एक दो इश्यूज़ हैं, इसको भी छोड़ें, रेजिडेंट इंडिविजुअल का पॉइंट डी। अच्छा जी, कल हम ट्रस्ट पढ़े थे और यूनिट ट्रस्ट। ट्रस्ट में ये था, ट्रस्ट इज़ एन क्या था, जल्दी 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 डेफिनेशन याद किया। ट्रस्ट इज़ एन ऑब्लिगेशन, आगे ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश या प्रॉपर्टी अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एक्सपर्ट्स एंड एक्सेप्टेड बाई एक्सपर्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर और ऑफ एन अदर एंड ओनर। ओनर से मेरा टेम्परेरी ओनर ऑफ कैश। यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन बताएं। यूनिट ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट इन विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद पैसे आर डिवाइडेड इनटू यूनिट सो दैट द राइट ऑफ ईच बेनिफिशियरी इज डिटरमिंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। जिसके पास ज्यादा यूनिट उसका ज्यादा राइट। एओपी की डेफिनेशन में आ जाए, पेज नंबर 3 पे। कल हमने फर्म पढ़ी थी, तो वो इधर बता रहे हैं कि फर्म इज एन एओपी। फर्म एक एओपी की डेफिनेशन में फर्म शामिल है। एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एओपी की डेफिनेशन में फर्म शामिल है और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो नया नया बना था, तो उस वक्त कुछ हिंदू फैमिलीज़ थी जो पाकिस्तान में शिफ्ट हुई थी, लेकिन वो फैमिलीज शिफ्ट होने के बाद अनडिवाइडेड रहीं, यानी दो भाई तीन भाई इकट्ठे ही कारोबार करते रहे। इफ़ दे आर अनडिवाइडेड इट मीन्स दे आर वन, इफ़ दे आर वन मीन्स दिस इज़ एन एओपी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन एओपी। बहरहाल अभी ये कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, तो सादा सी बात है। पता नहीं क्लास के बाद लोग पूछने आते हैं दोबारा बताएं, क्या आप इसमें दोबारा बताना है। कोई हिंदुओं की फैमिली है जो अलग अलग नहीं रह रहे, सारे इकट्ठे रह रहे हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एओपी अगर इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं ये। पॉइंट सी, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल से मुराद मसनूई पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं, मसनूई पर्सन, और जुरिडिशियल से मुराद कानून की नज़र में। इसकी मिसाल मिसाल के तौर पर लिख लें, मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट सोसाइटी। अब किसी को नोट्स चाहिए, हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 ला दें, थोड़ी सी इनकी क्लास पे लेंगे, इतने दिनों बाद क्यों आए। और किसको चाहिए, और हाथ खड़ा करें। एक एक और कॉपी ले आओ। उस क्लास में किसी को चाहिए तो खड़े हो जाएं, हाथ खड़े नज़र नहीं आएंगे। उस क्लास में किसी को नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट सोसाइटी ऐसे को बनी। उन्होंने
कहाँ हम लोगों की मदद किया करेंगे। तो असूली तौर पे तो ये नॉन प्रॉफिट इदारा होना चाहिए, लेकिन इतना फॉर्मल इनका काम नहीं था कि नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे अपने आप को कहीं जाके रजिस्टर करवाते। तो इन्होंने एज सच अपने आप को कहीं जाके नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे रजिस्टर नहीं करवाया, तो डेट्स वाई दे विल बी कंसिडर्ड एज NAOP, कानून की नज़र में मसनूई पर्सन। बस इससे ज़्यादा इसकी और कोई मिसाल नहीं। नेक्स्ट, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, इससे मुराद है, बॉडी ऑफ पर्सन्स से मुराद फॉरेन AOP। बाहर के मुल्क के अंदर किसी AOP ने, मैंने तो कहा था पाकिस्तान में AOP को रजिस्टर कराने का कोई लॉ नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर के मुल्क में AOP को रजिस्टर कराने का कोई लॉ हो। तो बाहर के मुल्क में किसी AOP ने अपने आप को बाहर के लॉ के मुताबिक रजिस्टर करवा लिया, तो डेट विल बी कॉल्ड एज फॉरन AOP। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि फ़ॉरन AOP को कल हमने कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ा था, वो पढ़ा था लेकिन वो कोई और बात थी। वो बात ये थी कि ऐसी फ़ॉरन AOP जिसको बोर्ड ज़बरदस्ती क्या कह दे, कंपनी, उस फ़ॉरन AOP को क्या कहा गया था, कंपनी। ऐसी फ़ॉरन AOP जिसको बोर्ड ज़बरदस्ती कंपनी कह दे, उस फ़ॉरन AOP को कंपनी कहा जाएगा, वरना उस फॉरन AOP को कंपनी कहा जाएगा, वरना फॉरन AOP सारी AOPs ही होती हैं, वरना फॉरन AOPs AOP ही होती हैं। तो एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरन लॉ, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन AOP, अ फॉरन कंपनी, अ फॉरन कंपनी इज नॉट एन AOP, ये याद रखिएगा। एक फॉरन कंपनी AOP नहीं होती। ये क्यों नहीं AOP? क्योंकि ये तो कंपनी है। एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, फॉरन AOP को कल हमने जबरदस्ती कंपनी बनाया था अगर उसके बारे में बोर्ड कह दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फॉरन कंपनी को कभी AOP ना बना देना। उल्टा काम नहीं करना कि फॉरन कंपनी को आप AOP कहने लग जाओ, तो एहतियातन बता रहे वो कि फॉरेन कंपनी इज नॉट एन, लेकिन कल क्या बताया था, फॉरेन AOP कैन बी अ कंपनी अगर बोर्ड कह दे, लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, फॉरेन कंपनी इज नेवर एन AOP, क्योंकि कंपनी तो कंपनी है, उसको AOP नहीं कहना। तो बड़े को छोटे कह के नहीं बुलाना, वो तो मसला हो जाएगा, कंपनी तो बड़ी चीज है। अच्छा, कुछ लोग क्लास के बाद आके पॉइंट डी में सवाल पूछते हैं कि कंपनी वाला पॉइंट डी और AOP वाला पॉइंट डी, इसमें ज़रा फ़र्क बता दें। फ़र्क क्या है इसमें, कुछ भी नहीं फ़र्क, यानी डिफरेंस जानना तो आसान है। ये था कि कोई कुछ लोग मिले थे और बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवाया था, तो कुछ लोग मिले और बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा दें, वो क्या समझी जाएगी, कंपनी। और कुछ लोग मिले और बाहर के AOP के लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा दें, तो वो क्या समझे जाएंगे, AOP। तो एहतियातन बता रहा है, फॉरेन कंपनी को जिंदगी में कभी भी AOP नहीं कहना, लेकिन फॉरेन AOP को कंपनी कह सकते हैं अगर बोर्ड कह दें। ले आओ नोट्स। अच्छा जी, आगे आए मेंबर। मेंबर होते हैं पार्टनर्स, इधर सेक थर्ड रो में मेंबर्स होते हैं पार्टनर्स। दिन रात का फर्स्ट डे है, कोई नहीं, सुनते नहीं, चीजें समझ आ जाएंगी। पहले तीनों लेक्चर YouTube से ले लें यार, वो कल वाला भी अपलोड करवा दें, तीसरा भी, यह हुआ है, हुआ है अपलोड को कल वाला। अच्छा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स शैल बी लगा फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स कब लगेगा, हर साल। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट द स्पेसिफाइड रेट्स इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट्स हैं कल हमने देखे थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। इनकम टैक्स हर उस बंदे पे लगेगा जिसकी क्या आएगी इस साल, टैक्सेबल इनकम। तो तीन खासियतें हैं,
इनकम टैक्स हर साल लगेगा, रेट फर्स्ट शेड्यूल वाले होंगे, और जिस बंदे की क्या आएगी उसको इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स फॉर अ ईयर शेल बी कंप्यूटेड। इनकम टैक्स कैसे निकाला जाएगा? बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। कल रेट किस पे लगाया था हमने? टैक्सेबल इनकम पे। एंड टैक्स क्रेडिट शेल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर। और ऊपर वाली फिगर से टैक्स क्रेडिट माइनस होंगे। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने बात की थी सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और इन सब के टोटल का नाम हमने रखा था टोटल इनकम। इन सबको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनके टोटल का नाम है, इसमें से ज़कात माइनस करते हैं और अदर डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा, ज़कात को भी डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। ज़कात को डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्ट करने की वजह से ज़कात का, कल मैंने आपको असली नाम नहीं बताया, ज़कात का मुश्किल नाम लॉ ने रखा हुआ है डिडक्ट। ज़कात का मुश्किल नाम लॉ ने रखा हुआ है, बोलें डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का क्या मतलब है? माइनस। तो टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे, ज़कात माइनस करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी? बोलें टैक्सेबल इनकम। फिर कल टैक्सेबल इनकम पे हमने रेट लगाया था, तो क्या निकल आया था हमारा? टैक्स। टैक्स क्रेडिट्स होते हैं डिस्काउंट। फिर आप टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे, यानी डिस्काउंट माइनस करेंगे। कुछ लोगों को हुकूमत टैक्स माफ कर देती है, टैक्स छोड़ देती है, तो फिर वो टैक्स क्रेडिट लेंगे और टैक्स क्रेडिट माइनस होगा और फिर टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट निकलेगा। तो इनका नाम क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। इसका नाम टोटल इनकम। ज़कात का मुश्किल सा नाम, इसका नाम टैक्सेबल इनकम, इसका नाम टैक्स लाइबिलिटी। ये वो टेबल पे जाके दिखने, और माइनस क्या करनी है एंड पे? टैक्स क्रेडिट, जिसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। ओके, एक अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज, जो हजरत फर्स्ट डे आए हैं वो भी अटेंटिवली सुनिएगा। ये चार हेड्स में हम इनकम कमा सकते हैं, पांच हेड्स में, या नौकरी कर सकते हैं, या कहीं कारोबार कर सकते हैं, या कोई घर किराए पे दे सकते हैं, या कोई शेयर वगैरह खरीद के बेच सकते हैं, या इसके अलावा अगर और कोई इनकम है वो कमा सकते हैं। तो ये पांच किस्म की इनकम्स हम कमा सकते हैं। अब टैक्स लगाने के लिए अगर आप रेट देखें तो ये टेबल आपको दो मिलेंगे, एक ये टेबल मिलेगा और एक अगले सफ़े पर। जिन्होंने नोट्स डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन वालों ने पेज 5 और 6, जिन्होंने लेट ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन की हैं तो किताब के अंदर चैप्टर 4 पे देख लें, एक पहले सफ़े पे टेबल होगा, एक अगले सफ़े पे टेबल होगा। एक के साथ टेबल 1 लिखा होगा, अगले के साथ टेबल 2 लिखा होगा। अच्छा, अब ये जो दो टेबल हैं, इन दोनों टेबल्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमने देखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सर्च करें 2 मिलियन अगर आप सर्च करें, तो जो टेबल 1 है पहले सफ़े वाला, तो 2 मिलियन आपको इस सीरियल में मिलेगा। 2 मिलियन जब इधर मिलेगा तो इस पे रेट क्या होगा? 17.5%। लेकिन अगर आप 2 मिलियन को अगले सफ़े पे जाके सर्च करें तो ये किससे किसके दरमियान आ रहा है? जिनका पहला दिन है बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। 12 लाख से 24 लाख के दरमियान क्या आ रहा है? 2 मिलियन। तो अगर आप 2 मिलियन पर इधर रेट देखें तो बताएं कौन सा टेबल अच्छा है, यानी टैक्स कम देना पड़ रहा है? टेबल 2। टेबल 2 में रेट कितने परसेंट आ रहे हैं? 12.5%, और इधर 17.5%। 5 मिलियन ढूंढे, टेबल 1 में 5 मिलियन पे कितना आ रहा है? 32.5। अगले सफे पे जाएं कितना आ रहा है? 25%। तो टेबल के पे रेट क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो टेबल 1 फायदे का या टेबल 2? अब ये हमारी चॉइस है कि जो मर्जी लगाएं, टेबल या लॉ बताएगा।
लॉ बता चुका है, वो मैं आपको आज बताने लगा हूं। ये हमने कल पहली एग्जाम्पल की थी, ये हमने कल पहली एग्जाम्पल की थी। हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि टेबल वन लगाना है या टेबल टू लगाना है? मैंने जानबूझ के आपको सारे वो सवाल करवाए थे जिनमें टेबल वन करवाना था। टेबल वन कैसे पता चलेगा लगाना है, उसके लिए हम एक काम किया करेंगे पेपर में, एक चीज किया करेंगे, वो एग्जामिनर को शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेटर पर करेंगे। कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब मैं एक चीज करने लगा हूं कैलकुलेटर के ऊपर, ला आपके साथ वाले को कैलकुलेटर दे। हम एक काम करेंगे, हम टैक्सेबल इनकम पे लगाया करेंगे 75%। किस पे? टैक्सेबल इनकम पे, टोटल पे? टैक्सेबल इनकम पे क्या लगाएंगे? जवाब क्या आया? 14 लाख का 75%। मेरे घर से कैलकुलेटर मंगवा दें, ये लोग जवाब नहीं निकाल के दे रहे। 1 0 आंडा आंडा आंडा। ओके, अब इन दो को कंपेयर करें। कंपेयर दिस विद दिस। ये 10 लाख है और सैलरी क्या है? सैलरी से कंपेयर किया करना है। किससे कंपेयर किया करना है? 10 लाख और 9 लाख। अब सैलरी बताएं कम आ रही है उस फिगर से या ज्यादा आ रही है? 9 लाख रुपया कम आ रहा है 10 लाख से या ज्यादा आ रहा है? इन दोनों को कंपेयर करना है। सैलरी क्या आ रही है? कम। तो बोलें सैलरी कम तो टेबल वन, बोलें टेबल वन। साथ वाले की तरफ देख के बोलें, तो सैलरी कम तो टेबल वन। मुंह थोड़ा सा लाइन करें अपना उसकी तरफ। सैलरी कम तो टेबल वन। बस पे चढ़ के जो भी अंकल हो, सैलरी कम तो टेबल वन। फिर दूसरे वाले अंकल, अंकल सैलरी कम तो टेबल वन। तो अगर सैलरी कम होगी तो कौन सा टेबल लगेगा? वन लगेगा। तो कल हमने ये पहली मिसाल की थी, इसमें सैलरी कम थी इसलिए टेबल वन लगाया था। सैलरी किससे कम थी? टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे। जो जवाब आएगा वो अपने जहन में कैलकुलेटर पे लिखा रहने देंगे और उसको कंपेयर करेंगे सैलरी से। अगर सैलरी कम आ गई तो टेबल कौन सा लगेगा? वन लगेगा। इससे ये कंपेरिजन सिर्फ सैलरी के साथ करना है, दुनिया की और किसी चीज़ के साथ नहीं करना। अगला सवाल कल हमने किया था जिसमें हमने टैक्सेबल इनकम निकाली थी 9 मिलियन। इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ डरते डरते 75% से। कैलकुलेटर ने जवाब दिया 6,75,000। बोले 6,75,000 सुन के बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये कौन सी जबान बोली जा रही है? 6,75,000 को हाईलाइट कर दिया, 2 मिलियन। ओ मैन, व्हाट अ बिग बिग फिगर इट इज। हर गाय इधर देखे, ये देखें 6,750,000। इसको किससे कंपेयर करें? तो सैलरी कम तो टेबल वन, तरा निकाल देने आपने अगले का। सैलरी कम तो टेबल वन, तो सैलरी आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले के कान में ना एक दो दफा बोल दें, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। सैलरी कम तो टेबल वन, तो सैलरी कम तो टेबल वन, बस हो गया दो दफा। अगला सवाल ट्राई करें जी। अगला सवाल कल हमने ये किया था, अब ये सवाल आपके पेशे खिदमत है जी। जल्दी जल्दी बोले 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 बोले। टैक्सेबल इनकम को पकड़ें, जान ले लें टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम को हाजिर किया जाए जी। जी बादशाह साहब हाजिर है टैक्सेबल इनकम, इसको छुरी चला दी जाए। बादशाह कितने नंबर वाली? 75% वाली छुरी चलाई जाए। 4 मिलियन का 75% कितना आ रहा है? 3 मिलियन आ रहा है। इसको कंपेयर किया जाए सैलरी से। बादशाह सलामत सैलरी नजर नहीं आ रही, चपेट मारूं तुम्हें, सैलरी क्यों नहीं नजर आ रही? ये देखो इनकम फ्रॉम सैलरी जीरो है इसकी। अब कंपेयर कर लेते हैं, सैलरी तो इसकी है ही नहीं, जीरो है। इसको हाईलाइट किया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए जी, बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया। इसके साथ लिखा जाए कम, तो सैलरी कम तो टेबल वन, तो सैलरी कम तो टेबल वन, सैलरी कम टेबल वन, तो सैलरी कम टेबल वन। अगला सवाल करें जी।
नया सवाल, ताज़ा ताज़ा फ्रेश, अभी अभी तंदूर से निकला, जल्दी जल्दी। ओहो सॉरी, रोज़ों में ऐसी मिसाल नहीं, अभी अभी फैक्ट्री से निकला, चले जल्दी 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 जल्दी। दो पराठे खाए तीन, दो खाए तीन, दो खाए तीन, दो खाए तीन, दो खाए तीन, पराठे खाए नहीं, दो तीन, एक दो, एक दो, दो तीन पराठे, कितने, चार, तीन तीन, और माशाल्लाह दो तीन एक दो मिल के तीन। चले 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 जल्दी करें, टैक्स निकालें इसका। क्या है टैक्स, कौन सा टेबल लगना है, कौन सा टेबल लगना है, कोई नहीं बोल रहा, टेबल वन। मोबाइल चाहिए भाई, मोबाइल इस क्लास से एक मोबाइल चाहिए, जल्दी जल्दी कोई एक मोबाइल आप निकाल दो, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलो आप निकाल दो यार, एक मोबाइल चाहिए, आपको तो देखा हुआ मैंने पहले, निकालो आप दे दो यार, सॉरी सर चल नहीं सॉरी। ओहो कल दे दोगे, नहीं सर वो ट्रैवलिंग जा रहा, छोड़ो यार एक दिन ज़रा गुजार के देखो ज़िंदगी, इससे पहले भी तो ज़िंदगी गुजरती थी, तो कभी सिग्नल जैम हो जाते हैं तो भी तो ज़िंदगी गुजर जाती है। एक दफ़ा आपको मैं स्पेशल कह रहा हूँ, एक दफ़ा ज़रा गुजार के देखना दिन इसके बगैर, आप कर सकते हो, गुजार सकते हो इसके बगैर दिन, दे दो। कौन दे रहे हैं, आप दे रहे हो मोबाइल, आप फ्री बंदे लग रहे हो, आप दे दो, फ्री तो सारे हैं वैसे, कल दे देना। हाँ कल दे देना, कौन सा टेबल लगाए, भैया कितने साल में टैक्स निकलेगा, निकल गया है, कहाँ भाग गया है। अच्छा जी कैलकुलेटर पकड़ें, इस पे 75% लगाएं, 3 3 8 2 5, आंडा आंडा आंडा, ओके वो 38 लाख है, वो 35 लाख है, तो सैलरी कम, तो टेबल वन, तो सैलरी कम टेबल वन लगाएं जी, हाँ जी 51 लाख, सीरियल नंबर 7, 6 लाख जमा 32.5 तो 32.5 32.5 मल्टीप्लाइड बाय गाय मल्टीप्लाइड बाय, ये फिगर कितनी है, 4 मिलियन, ये फिगर कितनी है, 5.1, 5.1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है आजकल, 1100, जवाब ही दे दें आज मुझे, 10500, तो 51 लाख पर 10 लाख हुकूमत को देना है सिर्फ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये एग्जामिनर को आपने शो नहीं करना, धड़ 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 धड़। करें जी अगला सवाल,
इनकम फ्रॉम सैलरी 1340000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 300000, टोटल इनकम 1640000, ज़कात 10,000, टैक्सेबल इनकम 1630000। नोट करें पहले, एनओटी करें, जल्दी करें। रजिस्टर वापस चला गया बैग में, खुद दूसरा रजिस्टर निकलने लगा है। लो जी, F1 का निकाला हुआ था पहले, कब से मसला ही है। चलो जल्दी करो, टैक्स कैलकुलेट कर लें तो साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें, इससे पता चल जाएगा आपने टैक्स निकाल लिया। भाई जना बॉल पॉइंट पकड़ी हुई फिर भी शफकत का हाथ रख रहे हो, अभी आप टैक्स निकाल रहे हो, टैक्स निकालने के बाद शफकत का हाथ रखें। हाइब्रिड में कोई शफकत का हाथ नहीं है, वाई इज इट सो? रखें रखें हाथ, इसी तरह दोस्ती होती है, अपना हाथ नहीं शफकत का हाथ। जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाले अपने सर पे बरकत के लिए हाथ फेर लें। ओके ओके, जल्दी 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 बता दो भाई टैक्स कितने हैं। आप चुप करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे, आप बोली जाएंगे तो हम। ओके, एक काम करना है, एग्जामिनर को शो नहीं करना, सारे शो पेपर में नहीं करके दिखाने, कुछ शो घर के लिए भी रखने हैं। इस पे करें इनटू 75%, मैं निकाल लेता हूँ 1 2 1 2 एक बोल दे कोई, 500। ओके, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो इधर तो सैलरी ज्यादा आ रही है, यानी 1 2 2 इधर है और ऊपर 1 3 4 है, तो 1 3 4 इज ज्यादा देन 1 2 2, चाहे 1 रुपया भी ज्यादा हो, चाहे 1 रुपया भी ज्यादा हो, 1 3 इज ग्रेटर देन 1 2। दिल में बोलें, बड़ी बात बताई, 1 3 इज ग्रेटर देन 1 2। तो नहीं, ये बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, शर्म नहीं आती, खड़े हो निकल जाओ तुम क्लास से तुम्हारी। अच्छा जी, अब इसको मिटा दें, ये सिर्फ शो था, टेबल कौन सा डिसाइड हुआ है, टैक्स निकलेगा टेबल 2 के मुताबिक 16,30,000, टेबल 2 16,30,000, 16,30,000, टेबल 3 वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12,00,000 बट डज नॉट एक्सीड 24,00,000, 15,000 जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12,00,000, 15,000 जमा 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12,00,000 से ये अमाउंट कितनी बढ़ रही है 4,30,000। बोले तो 6,87 ये इसका टैक्स निकला है। पेज 9, बल्कि आप ना आप इधर इधर से करें बस, पेज 9 पर क्वेश्चन 7 मैंने खोला है, ये कर दें सॉल्व। पेज 9 क्वेश्चन 7,
ओके टैक्सेबल इनकम का लेना है 75%। जी बताएं। 4 4950 000। इसको कंपेयर करें, सैलरी कम नहीं, सैलरी ज्यादा। टेबल टू लगाएं जी, अमाउंट बताएं कितनी है। अब इसको मिटा दें 75%, कोई इसका कुछ नहीं करना। जी 6.6 मिलियन को जाके देखें टेबल टू में, सीरियल 6 1005000। जमा 32.5% अमाउंट सीढ़ी 6 मिलियन, 6 मिलियन, हाँ 6 लाख, 6 मिलियन और 6.6 का डिफरेंस 600,000। वन टू आना 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 आना। ओके व्हाई आर यू डूइंग कोरा, क्वेश्चन एट करें। कितनों के घर वालों ने उनको कह दिया कि बेटा अभी तो 2-3 दिन हुए हैं और तुम लूट मचाई हुई है पापड़ के, हद होती है ऐसे। कितने लोग रोजाना खजाना याद करके लिख रहे हैं, कितने लोगों ने सोचा था इस दफा पहले दिन से याद करके लिखा करेंगे, सोचा था। देखिए 3 दिन बाद ही था शुरू हो गया है तो फिर आगे क्या ठा ठा होगा। भजन करना हो तो कोई बहाना नहीं, ना करना हो तो 100 बहाने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर 6 महीने आई कैप और रुलाता है। तो प्लीज खुदा के लिए पढ़ लें। 1420000 इंटू 75%, 10 तो सैलरी कम तो टेबल 1। टैक्स कहते हैं आप लोग, या टैक्स कहते हैं, छोड़े मेरे वापस आ जाए, टैक्स निकालें। 1420000 टेबल 1 में छह लाख जमा 17.5% ऑफ 12 लाख से, ये अमाउंट कितनी ज्यादा है जवाब 98। ओके नेक्स्ट, अब टेबल्स पे आ जाए। टेबल टू टेबल टू कब लगेगा? वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड
सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी एक्सीड्स, एक्सीड्स मीन्स ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर ये वाला सिनेरियो बना तो तब आपने टेबल टू लगाना है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 70, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल टू, तो सैलरी कम तो टेबल वन, तो सैलरी कम तो टेबल वन, सैलरी कम तो टेबल वन। वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल अंडर द हेड सैलरी इज ग्रेटर देन 75% ऑफ द रेट ऑफ द टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग फ्रूट चार्ट, फॉलोइंग टेबल, तो नीचे वाले टेबल का रेट लगेगा। डन, रीजनेबल खाना है अफ्तारी में, वरना फिर प्यास बहुत ज्यादा आपको लगेगी। रीजनेबल पढ़ा भी नहीं जाएगा, हल्का फुल्का इंसान पढ़ भी जा सकते हैं, फिर दूसरा कभी इधर गिर रहा होता है, इधर गिर रहा होता है, इधर गिर रहा, उठ बबलू चल उठ, वो फिर इधर उठ बबलू उधर हो जाए। तो रीजनेबल ओके। अब आप मुझे बता दें टेबल वन में क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी, हर इंडिविजुअल और एओपी के ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगेंगे एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड के अलावा। सैलरीड हम वो समझते रहे थे जो सैलरी कमा रहा हो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, सैलरीड पर्सन वो नहीं होता जो सैलरी कमा रहा हो, सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जो अगले सफे पर लिखा हुआ है। सैलरीड इंडिविजुअल कौन है, इट इज एन इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो सैलरी कमाने वाला वो है जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% ले तो सैलरी उससे ज्यादा है, ही विल बी कॉल्ड एज बोले सैलरीड पर्सन। तो कहते हैं सैलरी वालों पे टेबल अलग है, सब्जेक्ट टू क्लॉज टू का मतलब है, कहते हैं क्लॉज टू पढ़ के आओ, क्लॉज टू में सैलरी वालों के लिए कुछ बता रहा है, वो हमने पढ़ लिया है, कहते हैं वापिस आओ आप जरा मेरे पास, हमने कहा आ गए, कहते हैं पढ़ो, हमने कहा पढ़ लिया। द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी एक्सेप्ट सैलरी वाले शैल बी सेट इन द फॉलोइंग टेबल। अब सैलरी वाले से मुराद सैलरी वाले नहीं है, सैलरी वाले से मुराद वो है जिनकी अच्छी खासी सैलरी है। अच्छी खासी कैसे पता चलेगा, टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे और सैलरी उससे ज्यादा होगी। अच्छा, अगर सैलरी ज्यादा होगी तो टेबल वन कहां से, अगर सैलरी ज्यादा होगी तो टेबल टू, और अगर सैलरी कम हो गई तो, और अगर बराबर हो गई, बराबर अगर बराबर हो गई, उसने लिखा हुआ एक्सीड 75%, अगर 75% से बढ़ गई, अगर 75% से बढ़ गई तो अगर बराबर हुई तो कम और बराबर पे टेबल वन लगेगा और ज्यादा पे टेबल टू लगेगा। ओके, आए पेज 7 पे,
टैक्सेबल इनकम कैसे निकाल दी हमने? टैक्सेबल इनकम, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ शेल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ एनी। तो टोटल इनकम में से जब आप माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंस, तो दैट विल बी कॉल्ड एज, बोले, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब एक लाइन लिखी हुई है यहां पे, दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट बिलो जीरो, बट नॉट बिलो जीरो। उमर साहब ने टैक्स ईयर 2019 के अंदर आपको ये डाटा प्रोवाइड किया, उसने कहा जी मैंने सैलरी कमाई है 2,50,000, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 1,50,000, मैंने ज़कात दी है 470। अब अगर इसका सवाल सॉल्व करने की तरह मूव करें तो सैलरी इनकम इसकी आ रही है 2,50,000, बिजनेस इनकम इसकी आ रही है 1,50,000, ऑलरेडी 2x पे सुन रहे हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा, 4 लाख इसकी टोटल इनकम आ रही है। अभी जो 4 लाख इसकी टोटल इनकम आ रही है, तो 4 लाख में से जब हम 470 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर परेशान होकर 70,000 जवाब दे देगा, इसे कहते हैं जवाब दे दिया, तो कैलकुलेटर 70,000 नेगेटिव देगा। लेकिन हमारा लॉ कहता है कैलकुलेटर पे ऑन का बटन दबा दो और जो लिखा हो वही उसको गले लगाओ, वो तो ज़ीरो होगा फिर, बट नॉट बिलो। तो ये आंडे से नीचे नहीं जाना आपने, आंडे से नीचे कोई लेवल नहीं है, मैक्सिमम आंडा लेवल है। तो 4 लाख में से हम कितनी ज़कात माइनस करना चाह रहे थे? 4,70,000। लेकिन हमारी इनकम में क्या इतनी जान थी कि सारी ज़कात माइनस कर सकती? नहीं। तो जवाब नेगेटिव 70 आ रहा था तो हमने क्या लिख दिया? ज़ीरो। अब ये बंदा ये मत सोचिएगा कि ज़कात ज़्यादा कैसे आ सकती है, ज़कात एसेट्स पे होती है, ज़कात ज़्यादा आ सकती है, ज़कात इनकम्स पे तो नहीं होती। अब 2019 के अंदर इसको 70,000 का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये माइनस नहीं कर सका। इस बंदे ने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे 2019 के अंदर ये माइनस नहीं करने दे रहे, खुदा के लिए मेरी प्यारी हुकूमत शहबाज शरीफ, मुझे ये 70,000 जो 2019 वाला मैंने माइनस नहीं किया, खुदा के लिए मुझे 2020 में माइनस करने दिया जाए। इस 70,000 को मैं माइनस करना चाह रहा हूँ 2020 के अंदर। शहबाज शरीफ ने कहा माजरत मोहतरम, आपको ये 70,000 अगले साल माइनस नहीं करने दिया जाएगा, कैनॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम और मैं इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 2018 में इस 70 के रिवर्सल को मैं मारता हूँ और 2018 की कैलकुलेशन में रिवाइज करता हूँ और इधर जाके 70,000 को माइनस करने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा ना छेड़ मलंगानू, प्लीज़ डोंट टच मी, कैनॉट बी कैरीड बैक, इसको कैरी बैक भी नहीं किया जा सकता। तो जो आपका 70,000 आया है उसे अगले साल भी माइनस नहीं कर सकते, पिछले साल भी माइनस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है 70,000 का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, अब 70,000 मर गया। नाउ 70,000 इज कॉल्ड एज डेड, तो 70,000 का कोई फ़ायदा नहीं है, नोट कर लें। इसको अगले साल भी नहीं माइनस किया जा सकता, पिछले साल भी नहीं माइनस किया जा सकता, इस साल तो माइनस हो ही नहीं सकता था क्योंकि 4 लाख में इतनी जान ही नहीं थी कि 4,70,000 को उठा सकता। जो जरा सुस्त बंदा बैठा होता ना उसको थोड़ी थोड़ी बस सरकार नोट कर लें। अब आप नोट करें और साथ वाले के सर पे।
आस्ते क्या कह रहे हो? ये कह रहे, क्या कह रहे थे? अवतारी पूछ रहा था क्या करोगे, बोले ना। चलें जी पढ़ें इसको। ये ज़कात वाला सेक्शन ज़रा नीचे है, आज नीचे आ जाएं इधर। ज़कात सेक्शन 60। ज़कात इज़ अ डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल माइनस करने की इजाज़त है। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, एक बंदे को इजाज़त है टू डिडक्ट के माइनस कर ले, क्या माइनस कर ले? ज़कात जो उसने पे की है, कब? इस साल, अंडर द ज़कात एंड कुशर ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कि ज़कात ज़कात सिर्फ तब समझी जाएगी जब ज़कात एंड कुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई गई, और अगर ज़कात एंड कुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात जमा नहीं करवाई गई तो वो ज़कात ज़कात नहीं समझी जाएगी। इट मीन्स कि इट इज़ मैंडेटरी कि आप ज़कात जमा करवाएं किसके मुताबिक? ज़कात एंड कुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, वरना आपकी ज़कात ज़कात नहीं समझी जाएगी। ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात जाती है हुकूमत के ख़जाने में, हुकूमत ज़कात की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, तो सबसे पहले आपने ज़कात जमा करवानी है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत। अगर आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात जमा ना करवाई तो ऐसी सूरत में आपको ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स स्लैश बेगर्स, स्लैश ना लिखें वो रिश्तेदार पढ़े ना ले किताब। अच्छा, ज़कात पेड टू रिलेटिव स्लैश बेगर्स शैल नॉट बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ज़कात एज पर ज़कात है। चाहे आप फ़कीर को या रिश्तेदार को ज़कात देते हुए ये भी कह दें कि भाईजन मुझे इधर ही कच्ची रसीद बना दो, रसीद बना के दो कि तुमने ज़कात ली है ताकि मैं हुकूमत को जाके दिखा सकूँ, तो हुकूमत कहेगी माजरत भाईजन। तो ज़कात सिर्फ कौन सी माइनस करने की इजाज़त है? ज़कात एंड, हाँ अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है फिर तो कमाल चीज़ है, लेकिन अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ ज़कात पेड अंडर उशर ऑर्डिनेंस तो हम एज्यूम फिर कर लिया करेंगे। इफ़ द क्वेश्चन इज़ खामोश, अगर क्वेश्चन खामोश है और कह रहे हैं ज़कात दी, तो हम समझा करेंगे कि ये ज़कात किसके मुताबिक दी है? उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। लेकिन अगर सवाल चीख चीख के पुकार रहा है कि मैंने ज़कात रिलेटिव्स को दे दी है, मैंने ज़कात बैगर्स को दे दी है, मैंने ज़कात रिश्तेदार को हमसाए को दे दी है, तो फिर आप उसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस जमा कराना ज़रूरी है। एन अलाउंस ज़कात ही, क्योंकि ज़कात का नाम डिडक्टेबल अलाउंस है ना। एन अ ज़कात फॉर अ ईयर डेट इज़ नॉट फुली माइनस, कितनी फुली माइनस नहीं हो सकी थी? A zakat that is not fully minus shall not be refunded, shall not be carried forward to agla saal, shall not be carried back to pichla saal. Shall not be refunded का मतलब ये है कि आप शहबाज शरीफ को जाके कहें पुत्र मेरा नेगेटिव 70 आया है तू मुझे टैक्स दे, पॉजिटिव 70 पे तो मैं तुझे टैक्स देता हूँ, अब तू मुझे टैक्स दे। ना 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 ना, ना, ना पुत्र ये ज़ीरो ही होगा। तो 70,000 के साथ इस साल भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होके माइनस नहीं हो सकेगा, और पिछले साल भी कैरी बैक होके माइनस नहीं हो सकेगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ज़कात। इसको काटते, काटना आते, पीपल आर टेकिंग निच अगेन एंड अगेन। ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों को इतना रोज़ा लगा कि शदीद उनकी बड़ी बुरी हालत हो गई। पता चला कि उन्होंने किसी की गीबत की थी, किसी की पीठ पीछे बुराई की थी, तो इसलिए गुनाह करने से रोज़ा लगने का ताल्लुक है, इसलिए किसी को बताया ना करें रोज़ा लग रहा है।
ऐसी एक बात कर दी, छोड़ आप तो नेक इंसान है सारे। अच्छा जी, टोटल इनकम, टोटल इनकम, शौक से अमाल करें। टोटल इनकम, टोटल इनकम इज सम ऑफ, टोटल इनकम इज सम ऑफ, जमा करना है आपने, किस किस को जमा करना है? अगर कोई बड़ी उम्र वाले बैक बाइटिंग कर रहे हो आपके करीब, तो बस उधर से उठ के चले जाया करें। कुछ बड़े ऐसे होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता मौके पे, उसे उठ के चले जाया करें। टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर। तो ऑल हेड्स कौन से हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इन सबको जमा कर लेंगे तो डेट विल बी कॉल्ड एज पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ओके, एंड पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इनकम भी इसमें शामिल होगी। व्हाट डज इट मीन एग्जेम्प्ट इनकम? नहीं, ज़कात इज़ नॉट एन एग्जेम्प्ट इनकम। ज़कात तो माइनस करने की टाइप की चीज़ है। तो नो, व्हाट डज इट मीन एग्जेम्प्ट इनकम, व्हाट डज इट मीन? ये ओहो, ये तो लास्ट टाइम पिछली क्लास, सेकंड लास्ट क्लास में लिखा था, ये कॉपी कर लेते हैं या आपको भी सेकंड लास्ट क्लास में लिख देंगे। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम, नोट करें ये एग्जांपल, फिर एग्जेम्प्ट इनकम देखते हैं। इनकम हम सैलरी कितनी कमाई है, इनकम कैपिटल गेन 9, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्वाइस बेच के, इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर 4, ज़कात आपको लोगों ने दी है या आपने लोगों को दी है? ज़कात पेड, अपने घर में ज़रा नज़र रखा करें, सब सारे ज़कात देते रहें, कैलकुलेशन भी सही कर रहे हों। अम्मी का भी ज़रा जेवर देख लें, 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले, 10 तोले। ओके, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस टॉयज, बिजनेस एग्रीकल्चर और ज़कात पेड। अब मोहतरम सवाल ये होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्री कल्चर। मोहतरम ये इनकम माफ है, पाकिस्तान में आप अंब के बाग लगाएं, किन्नों के बाग लगाएं, जामन के बाग लगाएं, सब माफ है, इस पर टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में क्या है? माफ है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट 4 की। ओके, वो इनकम टैक्स नहीं होता, हम तो इनकम टैक्स का लॉ पढ़े हैं। ओके गाय, गाय, ओके से यस नो, गाय, गाय से यस नो, ना 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 बोलना नहीं, बोलना नहीं, क्लास के बाद ले जाइएगा साथ वाले को, बोलते रहिएगा।
अच्छा जी, टोटल बताएं। ट्वेंटी 23। माइनस कर दें इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्रीकल्चर को, मुझे क्यों निकाला? तुझे इसलिए निकाला कि तेरे पे टैक्स नहीं देना। मुझे क्यों डाला था फिर, अगर मुझे निकाल ही देना था? इसलिए ताकि प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए शो हो। पहले आपने इसको इधर डाला, फिर आपने मुझे क्यों निकाला? इस वजह से निकाला कि इसको आपने एग्जेम्प्ट करना है, इस पे आपने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स जमा नहीं कराना, इसलिए आपने इसको निकाला है। अब आप ज़कात माइनस कर दें, मशहूर ज़माना जो आप एंड पे माइनस करते होते हैं, एंड दैट इज़ 0.5, सो इट कम्स टू 18.5। नाउ नोट इट डाउन और नोट इट अप, व्हाटएवर यू लाइक। उन सात वाले का मत था। तो अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है जिस पे हुकूमत ने कह दिया हुआ टैक्स देना माफ है, तो उसको आप ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब क्लास के बाद आपने बंदे लेके आके ये नहीं पूछना कि ये ऐड और माइनस दोनों क्यों कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, तो फिर आईकैप भी कुछ नहीं करेगा, वो नंबर नहीं देगा उसके। प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए पहले ऐड भी करना है, लेस भी करना है। ओके गाय गाय, ओके ओके। तो टोटल इनकम हमारी कितनी है अब, तो बताएं टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम को डाला करेंगे? जी बिल्कुल, टोटल इनकम में डाला करेंगे, लेकिन फिर उसमें से बाद में क्या कर दिया करेंगे? माइनस कर दिया करेंगे। पढ़ें, द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, एंड द पर्सन इनकम ऑल हेड्स की इनकम कितनी थी? 7 जमा 3 जमा 9। और एग्जेम्प्ट इनकम कितनी थी? तो फिर टोटल कितनी थी? टोटल टोटल 23। तो इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम्स को भी इनकम में डालना है और जो टैक्सेबल है उनको भी इनकम में डालना है, लेकिन बाद में एग्जेम्प्ट को क्या कर देना है? माइनस कर देना। ओके, फॉर इम्पोजिंग द टैक्स, टैक्स लगाने के लिए एंड कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम, योर इनकम मे बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। नेक्स्ट, अच्छा जी, पहले जब अच्छा जी, अब सवाल ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे निकलती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे निकलती है? तो ये आपके सामने एक बिल्कुल नई पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलती है सेल में से खर्चे माइनस करके। सेल को कहते हैं चार्जेबल अमाउंट और खर्चों को कहते हैं डिडक्शंस। तो एक साहब कहते हैं कि मैंने 70 रुपये की बोतलें बेची हैं, तो दुकान का किराया भी पे किया होगा, बोतल खरीदी भी होगी, मुलाज़मीन की तनख्वाहें भी पे की होंगी, तो 70,000 इनकी सेल समझ लें या 70 रुपीज़, और 20 रुपीज़ इनके खर्चे समझ लें, तो इनको इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आई? 50। तो ये जी इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने वर्किंग में निकाल ली, ये निकाल ली हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग में।
अब जब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने वर्किंग में निकाल ली, तो अब जब न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे हम, तो न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ गई? 50, सेल में से खर्चे माइनस करके। इसी तरह न्यूमेरिकल के फेस पे सैलरी आएगी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स वगैरह, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से क्या माइनस कर दी? ज़कात। ज़कात सवाल में दी नहीं हुई, जीरो। तो क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 50 ऐसे आया है, यहां पे जरा दोबारा अगर मैं लिख दूं, 70 माइनस 20, तो 50 कैसे आया है? 70 माइनस 20। इसको वर्कआउट करके भी निकाल सकता हूं मैं, फेस पे भी लिख के दिखा सकता हूं, एक ही बात है। अब सवाल ये है कि ये जो 20 रुपये है, जिसको मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, इस 20 रुपये को क्या कहते हैं? इस 20 रुपए को कहते हैं डिडक्शन। क्या कहते हैं? इस 20 रुपए को कहते हैं डिडक्शन। और ये किसी हेड में खर्चा माइनस हुआ है, ये टोटल इनकम से पहले माइनस हुआ है या टोटल इनकम के बाद माइनस हुआ है? टोटल इनकम से पहले माइनस हुए। ये 20 रुपए टोटल इनकम से पहले माइनस हुए। जब ये 20 रुपए टोटल इनकम से पहले माइनस हुए, तो इसका नाम है खर्चा या डिडक्शन। और ये जकात जो है, क्या ये डिडक्शन है या डिडक्टेबल अलाउंस है? तो ये डिडक्शन और ये डिडक्टेबल, शन बल बोले, शन बल, शंबल शंबल, शन बल। ट्राई करें, शन बल। पहले क्या? पहले शन या बल? शन पहले, बल बाद में। अब आपने दो चीजें बस पे चढ़ के करनी है, सैलरी कम तो टेबल वन, थोड़ी देर बाद शन बल। ठीक है, तो पहले क्या माइनस करनी है? शन, फिर बल। नोट, टोटल इनकम से ऊपर ऊपर जो माइनस हो जाए शन, और टोटल इनकम के बाद जो माइनस हो बल, और शुरू में क्या लगाने? डिडक्ट, शन डिडक्ट पे बल। क्लियर? तो जाहिर बात है, अगर आप बिजनेस करें तो खर्चे तो आपके होंगे, इनको खर्चों को आपने क्या कहना है? डिडक्शन। हर गाय नोट करे आज। जागते रहना भाइयों। ओके, रीजनेबल खाना है अफ्तारी में, याद रहेगी ये बात मगरिब तक, कल भी इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिजाज में आएगी। तो ये खर्चा सिर्फ बिजनेस में ही माइनस नहीं करना होता, खर्चा कैपिटल गेन में भी माइनस करने की इजाज़त है, खर्चा अदर सोर्स में भी माइनस करने की इजाज़त है, खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी माइनस करने की इजाज़त है। तो जो किसी हेड के खर्चे हैं उनको क्या कहते हैं? डिडक्शन। और ये टोटल इनकम से पहले पहले क्या हो जाते हैं? माइनस। तो फिर टोटल इनकम के बाद जो माइनस होती है चीज़, उसे क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। चलें जी, द इनकम अंडर आ, एक एक हेड की अलग अलग इनकम निकलती है, सैलरी के अलग, बिजनेस के अलग, कैपिटल गेन के अलग। द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम
शेल बी कंप्यूटेड बाय द शेल बी द टोटल चार्जेबल अमाउंट, टोटल चार्जेबल अमाउंट डिराइड बाय द पर्सन एज रिड्यूस्ड बाय टोटल डिडक्शंस। तो इनकम कितनी आ गई 50। इनकम कैसे निकलेगी, चार्जेबल में से डिडक्शंस माइनस करें, तो इनकम इज इक्वल टू चार्जेबल माइनस डिडक्शन। चार्जेबल का लफ्ज़ सेल के लिए, ओके नींद इज कमिंग टू यू लाइक एनीथिंग गाय, एनेक वाले गाय, नींद इज कमिंग टू यू लाइक एनीथिंग, यू कैन हैव अ रिलैक्सिंग नैप, वी हैव डैट बेंच फ्री। अच्छा जी भाईजान, जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी बंदे के साथ ये भी हो सकता है। क्या मतलब, यानी उसकी सेल हो 90 और उसके खर्चे हो 92, तो द पर्सन बी लाइक दिस वन, तो इसको क्या आ गया, लॉस आ गया। किस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इस दो का नाम लॉस, 90 का नाम और 92 का नाम डिडक्शन, और दो का नाम, इसको आपने जीरो नहीं लिखना क्योंकि ये ज़कात माइनस करके नहीं लॉस आया, ये लॉस आया खर्चे माइनस करके। इसको न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाना नहीं जाना, ये एक लॉसेस के चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें तो बड़ी तफसीली बहस होगी, इसलिए मैंने वर्किंग आपको शो कर दी है वर्किंग, लेकिन मैंने इस वर्किंग को फेस पे नहीं शो किया, तो फेस पे अभी इसको जाने दें, छोड़े परे, पहले बस ये समझ लें कि क्या कभी लॉस आ सकता है। जी हाँ, लॉस भी आ सकता है, नोट कर लें। तो सेल में से अगर डिडक्शन माइनस करें तो अ टाइम मे कम इन योर लाइफ दैट यू आर सस्टेनिंग अ लॉस। बहरहाल गमों के बाद खुशियां भी आती हैं। जो फिजिकल वाले हजरात तशरीफ नहीं लाए, अब कल उनको देखते हैं जरा क्या करना है क्लास में, क्या की जाए, सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दी क्यों छोड़ दिया जाए, हाथ धो भी, वो अपना और अपने वालदेन का नुकसान कर रहे हैं, माफ क्या किया जाए, अभी से उनको सेट किया जाए, बड़े हैं, बच्चे हैं, बालिग हो गए हैं, अब उनको और क्या रिलैक्स करना है। ओके पढ़े जी, वेयर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ ईयर एक्सीड द टोटल अमाउंट चार्जेबल। डिडक्शन कितनी थी और चार्जेबल, द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड, तो समझ लिया जाएगा उस बंदे को क्या आ गया, लॉस आ गया। तो द पर्सन शेल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड, तो समझा जाएगा इस बंदे को उस हेड के अंदर क्या आ गया, लॉस आ गया या लॉस आ गया, लॉस तो नहीं है, लॉस सी है, छोटा सा है, हाँ 2 रुपए का। इस लॉस का करना क्या, न्यूमेरिकल के फेस पे लेके जाना है नहीं लेके जाना, कहते हैं जरा छुरी थले साल हो
अ लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। कहते हैं जब आप बड़े हो जाओगे, नहाद होके आओगे बड़ी ईद के बाद, तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि इस लॉस को क्या करना है। क्लियर? ओके। अच्छा जी, सरासिफ को जानते होंगे आप? जानते हैं, इसी कॉलेज में होते हैं। सरासिफ का स्टे पाकिस्तान में 365 डेज है। सरासिफ क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट, नहीं मैरिड अनमैरिड तो नहीं से पता चलेगा क्या, रेजिडेंट पता चलेगा ना, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। सरासिफ क्या है? रेजिडेंट। अच्छा एक बात थी, अब वो सपने तक रखिएगा। सरासिफ का एक जर्मनी में पेट्रोल पंप है, तो क्यों हंस कर रहे हो, कैसी बात है, बस मैंने ये क्या अपने तक रखना। अच्छा, अब सरासिफ दो जगह इनकम कमा रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में कमा रहे हैं इनकम, पाकिस्तान में इस कॉलेज के अंदर रहते हुए, ये इनकम सरासिफ की टैक्सेबल है, और जो सरासिफ फॉरेन इनकम कमा रहे हैं जर्मनी में, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये टैक्स देंगे। अभी इस बात को भूल जाएं कि जर्मनी वाले भी टैक्स मांगेंगे, वो अलग बहस है, वो चैप्टर 6 में हम करेंगे, तो कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह डिस्काउंट दे देंगे उस बंदे को, लेकिन अभी वो अलग बहस है, उसको छोड़ें। जो बंदा रेजिडेंट होता है तो लॉ मेकर उससे दो तरीके से टैक्स मांगता है, कहते हैं पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स दो और बाहर वाली इनकम पे भी टैक्स दो। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो, मिसाल के तौर पे ब्रायन लारा, ये किस टीम में था? वेस्ट इंडीज में। ब्रायन लारा, ब्रायन लारा पाकिस्तान में आया 10 दिन के लिए छक्के मारने के लिए, 10 डेज के लिए, तो ये पुत्र रेजिडेंट बना नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। ओए नॉन रेजिडेंट कह के बुलाएंगे या भाई नॉन रेजिडेंट कह के बुलाएंगे? भाई नॉन रेजिडेंट। तो 10 डेज रुकने की वजह से ये भाई क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। तो अब इन्होंने पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीता, यानी उस मैच में वही मैन था, तो मैन ऑफ द मैच जीता, तो इस पे इनको टैक्स देना पड़ेगा, ये इनकम इनकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन हम लारा से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने बाहर के मुल्कों में कहां कहां किस किस को क्या क्या लारा लगाया हुआ है, हम लारा से ये नहीं पूछेंगे कि तुमने बाहर के मुल्कों में क्या कमाया, क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वो बंदा क्या है? तो नॉन रेजिडेंट बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी बाहर की इनकम के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत आपसे सवाल नहीं कर सकती। तो फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल। चलें नोट। घड़ी को एक मिनट आगे करना था, आज कर दीजिएगा, कर दें अभी, कर दें। थर्टी नाइन। ओके, तो भाई जान किस को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा? वर्ल्ड इनकम पे रेजिडेंट को, पाकिस्तान वाली पे भी और बाहर वाली पे भी, तो उसको वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और किसको सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स जमा करवाना पड़ेगा? तो ये फायदा था डेफिनेशन पढ़ने का, रेजिडेंट और, तो नॉन रेजिडेंट हो तो मौजा ही मौजा। पॉइंट फाइव, नोट कर रहे थे अभी, सुस्तियां आपको खराब करेंगी।
घर वालों ने ये तो नहीं समझा था क्रिकेट खेलने जा रहे हैं 23 मार्च को? कितने घर वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्लास है आपके? फिर क्या क्या गया, खुद लेके आए हो घर वालों के साथ? इधर देख लें कॉलेज खुला हुआ है, तस्वीरें खींच के भेजोगे? द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, बाय एडिंग पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड बाय एडिंग, तो पाकिस्तान और फॉरेन इनकम्स दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, तो फिर जाके आपकी इनकम निकलेगी। नेक्स्ट। लेकिन अगर आप कौन है? नॉन रेजिडेंट। आपका स्टे पाकिस्तान में 10 दिन है, 20 दिन है, 30 दिन है, 40 दिन है, 60 दिन है, 100 दिन है, 120 दिन है, 130 दिन है, 170 दिन है, 180 दिन है, 181 दिन है, 182 दिन है आपका स्टे पाकिस्तान में, तो फिर आप कौन है? द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय कंसिडरिंग ओनली इनकम्स दैट आर, तो राजदंत की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल। ये आखिरी बात आपने करनी है आज जो बस में चढ़ेंगे, जब रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल, और नॉन रेजिडेंट की, एकदम लहजे में उठाना आएगी आपके, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल, फॉरेन सोर्स इनकम नॉट टैक्सेबल। ओके, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, क्लियर? होमवर्क वाले सवाल देख लिए कौन से?